दोस्तों पोको F3 जिसका ग्लोबल लॉन्च हो चुका है एंड काफी ये प्रोसेसर सेंट्रिक फोन होने वाला है, 5G स्मार्टफोन होने वाला है एंड प्रोसेसर एंड डिस्प्ले के ऊपर काफी ध्यान रख के ये वाला बजट स्मार्टफोन मार्केट में कुछ दिन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट उसके पहले मैं बता दूं, ये जो Redmi K40 था एंड Poco F3 दोनों ही सेम फोन है। इवन Redmi K40 को रीब्रांडेड करके Poco F3 बनाया गया है। एंड ये भी आपको बता दूं, शायद इंडिया में ये दोनों फोन ही आपको देखने के लिए ना मिले। शायद इंडिया में मी जो था, Xiaomi का मी 11 का कोई वर्जन में हमें देखने के लिए मिले, शायद मी 11 एक्स और मी 11 लाइट ऐसा कुछ हो। सो आज के वीडियो में हम इसका प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं एंड काफी सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें एंड काफी सारी जो चीजें है इसके साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है इस प्राइस पॉइंट पे, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये जो फोन होने वाला है ये इस प्राइस पॉइंट पे अगर लॉन्च होने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो ये अभी तक के सबसे अच्छा बेस्ट गेमिंग सेंट्रिक यानी प्रोसेसर सेंट्रिक या फिर परफॉर्मेंस सेंट्रिक जो भी आप बोलो बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस फोन। तो अगर बात करें इसका प्रोसेसर का, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट में मिलना एक काफी अच्छी बात है। एंड इसके साथ जो डिस्प्ले भी मिल रहा है ना, वो भी काफी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है एंड सुपर एमोलेड ऑब्वियसली डिस्प्ले होने वाले 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा एंड ऑल्सो यहाँ पर 360 हर्ज टास्क सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एंड जो E4 एमोलेड डिस्प्ले है ना, ये कुछ चीजों को मिला के यहाँ पर E4 AMOLED डिस्प्ले बोला जाता है, जस्ट लाइक HDR 10 प्लस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, MEMC टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पर आपको ट्रू कलर देखने के लिए मिलेगा एंड ऑल्सो 1300 nits का ब्राइटनेस यानी पीक ब्राइटनेस जिसको बोला जा रहा है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारा काफी सारा टेक्नोलॉजी मिला के यहाँ पर E4 AMOLED जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो इसका ऊपर जो पंच होल है उसका साइज भी इस बार छोटा किया गया, यानी छोटा सा आपको डॉट सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। इसका जो साइज है वो करीब करीब 2.67 mm का साइज है, यानी बहुत छोटा इसको कर दिया गया है। यानी डिस्प्ले के मामले में बात करें तो काफी एक अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलेगा एंड काफी सारे फीचर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो डुअल स्टूडियो स्पीकर यहाँ पर देखने के लिए, डॉल्बी एटमॉस भी है यहाँ पर, हाई रेस वायरलेस ऑडियो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑडियो के मामले में बात करें तो काफी अच्छा खासा चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बट द थिंग इज दैट इतने सारे कुछ इतने कम प्राइस पॉइंट पर आपको मिल रहा है, तो आपको कुछ कंप्रोमाइज भी यहाँ पर करना पड़ेगा। सो अगर कंप्रोमाइज की बात करें तो यहाँ पर आता है कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओनली आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल मैक्रो जिसको टेली मैक्रो कहा जा रहा है एंड ऑल्सो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जो मेन कैमरा है वो सोनी IMX598 है, मतलब कैमरा के मामले में बात करें तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मतलब उतना भी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर कैमरा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस इस फोन में जो फोकस किया गया है वो है ओनली प्रोसेसर के ऊपर एंड डिस्प्ले के ऊपर। बट प्रोसेसर सिर्फ फास्ट होने से ही एक स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस बदल नहीं जाता, उसके साथ उसका रैम का टाइप भी लेटेस्ट होना चाहिए एंड ऑल्सो स्टोरेज टाइप भी लेटेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी दिया गया है। यहाँ पर अगर रैम की बात करें तो यहाँ पर LPDDR5X रैम लगाया गया है एंड ऑल्सो UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आता है। सो ये सारे चीज़ मिला के एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। सो अगर आप ओनली गेमिंग के लिए जा रहे हो देन दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड परफॉर्मेंस वाइज एंड आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहते हो, मतलब आप कैमरा में कंप्रोमाइज कर सकते हो बट आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए एंड आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, देन इससे अच्छा फोन इस बजट में नहीं मिल सकता। प्राइस के बारे में वीडियो के आखिर में मैं बात करूँगा, काफ़ी अग्रेसिव प्राइस इसका रखा गया है एंड शायद उसी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो स्मार्टफोन में और एक जो मेन चीज़ रहता है वो है इसका बैटरी। तो बैटरी के यहाँ पर बात करें तो 4520 mAh यानी 4500 mAh का बैटरी है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा विथ 33 W फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो बैटरी के मामले में बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिला, मतलब ठीक ठाक है बैटरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन। तो बोथ साइड आपको ग्लास देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है एंड पोको हमेशा से
प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ही फोकस करता है। तो प्रोटेक्शन ऑब्वियसली आप गोरिल्ला ग्लास 5 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं, जो भी मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 में भी मिल जाता है। एंड गोरिल्ला ग्लास 6 में रिसेंटली पोको X3 प्रो भी लॉन्च हुआ है, जो कि एक किलर फ़ोन है एंड ये भी प्रोसेसर सेंट्रिक फोन है। अगर पोको X3 प्रो का वीडियो आपने नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में एक प्रोसेसर सेंट्रिक फोन पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है। एंड ये वाला बजट प्राइस में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 30 मार्च को इसका लॉन्चिंग है इंडिया में। सो जाके एक बार देख लीजिए, मैं आईकार्ड में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। पोको X3 प्रो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन वो भी होने वाला है, बट वो वाला फ़ोन 4G है, पोको F3 जो है 5G में निकलने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फीचर्स जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो मैं इसको सम अप करके एक साथ बता देता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बताया, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर देखने के लिए मिला, जो प्रोसेसर जो है 3.2 GHz का है एंड इसका अंतुतु स्कोर जो है 6,40,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, 5G है, Wi-Fi 6 यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, एज वेल एज लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। गेमिंग टर्बो 4.0 के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 एंड MIUI 11 देखने के लिए मिलेगा, शायद MIUI 12 देखने के लिए मिले इंडिया में लॉन्च हो। बट पोको में जो MIUI आता है, इसमें आपको एड्स देखने के लिए नहीं मिलता, यही सबसे बड़ी खासियत है पोको का। ब्लोटवेयर ऑब्वियसली आपको मिलेगा थोड़ा बहुत, बट एड्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर पोको लॉन्चर के साथ आता है एंड पोको लॉन्चर में एड नहीं दिखता है। सो ये भी आप एक अच्छी खासी चीज़ बोल सकते हो कि आप पैसा पे कर रहे हो बट आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट जो और एक चीज़ है यहाँ पर, वो है कि यहाँ पर आपको हेडफोन जैक ऑब्वियसली देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको वायरलेस हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज सी टाइप का कोई हेडफोन आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो ये था इसका ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। K40 को अगर आप देखो ना, तो सेम है, सेम उसको ही रीब्रांडेड किया गया। आई थिंक ये पोको F3 के नाम पर नहीं आएगा, ए आएगा तो शायद मी 11 का कोई वर्सन होकर आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस फोन। तो काफी एग्रेसिव प्राइस है, यूरोपियन कंट्री में इसको लॉन्च किया गया है एंड अर्ली बर्ड प्राइस को सेट किया गया है। उसी प्राइस में हमेशा इंडिया में भी लॉन्च होता है एंड उससे भी कम प्राइस में इंडिया में देखने के लिए मिलता है। सो इसका जो बेस वेरिएंट होगा 6GB प्लस 128GB वाला, इसका अर्ली बर्ड प्राइस 299 यूरो है। तो इसको ही कन्वर्ट करके एंड आसपास अगर आप हिसाब लगाओ, ये वाला फ़ोन आपको ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। मेरे ख्याल से 26-27 तक जा सकता है। अगर 27 में भी ये वाला फ़ोन मिल गया तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सो आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कैमरा में एंड आपको अगर गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, आपको अगर मस्त प्रोसेसर सेंट्रिक फ़ोन चाहिए एंड हाई क्वालिटी का डिस्प्ले चाहिए, अब मूवीज वगैरह वॉच करना पसंद करते हो, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड ऑल्सो ये वाला प्राइस पॉइंट में अगर इंडिया में आ गया तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन को भी बीट कर सकता है प्रोसेसर के मामले में एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस के मामले में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी अगर कमेंट रहे, सजेशन रहे एंड डाउट रहे, यू कैन राइट इन डाउट इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।